तो भाई लोग कैसे हो। तो देखो भाई लोग, इस वीडियो में मैं जो भी सेटिंग्स की बात करने वाला हूँ वो रियलमी 7 में काम तो करेगा, और रियलमी 7 मतलब रियलमी के हर एक डिवाइस में काम करेगा। लेकिन आपका अगर कोई अनदर डिवाइस है, एमआई मतलब कुछ अलग डिवाइस है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं एक गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि और डिवाइस में भी एकदम 100% काम करेगा, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हो। ओके, और रियलमी फ़ोनों में तो एकदम 100% काम करेगा ही। तो भाई लोग, एंड्रॉयड 12 अपडेट करने के बाद गेम तो पहले से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सेटिंग्स है जो आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन वो सेटिंग आपको करना है। करने के बाद ही आपका जो है एंड्रॉयड 12 में 100% गेमिंग कर पाओगे, वरना आपका गेमिंग जो है चलेगा लेकिन आप मिस कर दोगे जो आपको फ़ोन रन कर सकता है उसको। मतलब सीधी बात में बोलूँ तो आपके फ़ोन में कुछ ऐसा सेटिंग्स है जो आपको करना ही है, आप अगर कस्टम वगैरह खेलते हो या फिर 100% गेमिंग करना चाहते हो। तो इस वीडियो में बने रहे, और हाँ एक बात बोल दूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने बताया सब देखना ध्यान से, ओके, और ज़्यादा बात ना करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको आना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। आने के बाद आपको जाना है आपके कहाँ गया, हाँ ये रहा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के सेटिंग में। ओके, उसके नीचे आपको मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट का। ओके, उसको आपको हमेशा हाई पे रखना है। ओके, हमेशा हाई पे, क्योंकि इसके वजह से आपका फ़ोन जो है वो हमेशा 90 FPS पे रन होगा, मतलब स्मूथ चलेगा फ़ोन भी, और गेम में भी सुविधा होगा। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है वो भी सेटिंग्स के अंदर ही आपके फ़ोन के। तो आपको जाना है अपने फ़ोन मतलब सेटिंग में जाना है। जाने के बाद आपको जाना है बैटरी, तो बैटरी का हाँ रहा, बैटरी में जाना है। जाने के बाद देखो उसके नीचे आपको मिल जाएगा एडवांस सेटिंग्स में। ओके, आपको वहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा परफॉर्मेंस मोड। अगर आपको नहीं मिलता तो आप सर्च कर सकते हो। ओके, इसको आपको करना है नो परफॉर्मेंस मोड पे। इसके वजह से आपका जो फ़ोन है वो उसमें बैटरी थोड़ा कम कंज्यूम करेगा एंड मतलब फ़ोन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ओके, लेकिन इसकी वजह से गेम अच्छा नहीं चलेगा, अच्छा चलेगा वो आपको आगे बताऊंगा। ये आपको करना है, करने के बाद नेक्स्ट सेटिंग में अभी जाते हैं। तो उसके बाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेटिंग है जो आपको करना ही चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा इससे ही। तो आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में जो है डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। अब ये मत बताना कि डेवलपर ऑप्शन ऑन कैसे करते हैं। ओके, तो ये सबको ही पता है आजकल। ओके, तो आपको जाना है आपके सिस्टम सेटिंग्स मतलब डेवलपर ऑप्शन के अंदर आपको ईजिली जाना है। अरे कहाँ चला गया, जाना है। ओके, उसके बाद आपको नीचे आना है कहाँ गया, हाँ हो रहा, हाँ तो आपको जाना है अपने ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्मेंस में। तो ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्मेंस पे आने के बाद आपको जो है बैटल ग्राउंड स्मॉल इंडिया आपको सर्च करना है। देखो बैटल ग्राउंड इंडिया, देखो मैं इससे पहले एंड्रॉयड 12 से पहले मैं हमेशा सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पे यूज़ करता था, लेकिन एंड्रॉयड 12 आने के बाद मैंने दोनों पे ही चेक किया, सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर में भी और डिफ़ॉल्ट में भी। लेकिन सरप्राइजली मुझे डिफ़ॉल्ट में ज़्यादा FPS मिला और स्मूथनेस मिला। तो इसलिए आपको डिफ़ॉल्ट करना है, ध्यान से देख लो, आपको डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद जो सेटिंग है वो भी डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही है। तो आपको और भी थोड़ा नीचे जाना है एंड कहाँ गया, वैसे बाद में मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है तो इसलिए आने में देरी हो गई वीडियो। ओके, एंड थोड़ा बनाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हो जाएगा है। तो आने के बाद आपको मिल जाएगा Force 4X MSAA। ओके, आपका अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आप सेटिंग में सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ओके, इसको आपको हमेशा इनेबल करके ही गेम खेलना है, इससे आपका जो है गेम स्मूथनेस मतलब स्मूथ बढ़ जाता है, आप चेक करके देख सकते हो, मेरा अगर यकीन नहीं करते तो। ओके, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग में। देखो गाइस, अभी जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनो। आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो एप्लीकेशन क्या है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। ओके, लेकिन आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से ही एंड कुछ सेटिंग वगैरह करके गेम को रन करना पड़ेगा। ओके, आपको ऊपर देखो एक वीडियो आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप देख लेना, 3 मिनट के बाद शायद मैंने सेटिंग्स वगैरह बताया है। ओके, तो आप देख लेना और सेटिंग को कॉपी करके गेम को रन कर देना, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इसकी बात नहीं कर रहा मैं, उस वीडियो देख लो क्योंकि मैंने बनाया है और अच्छा वीडियो था वो, और वो आप यूज़ कर देना। ओके, एंड अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग में।
तो भाई लोग अभी जो है आपको और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से ही। देखो मैं जो ये सब बोल रहा हूँ ना, ये मैं खुद ट्राई करके ही बोल रहा हूँ, लगातार एक मंथ से मैं ट्राई कर चुका हूँ, तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ। आपको फिर से जाना है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो पहले जो एप्लीकेशन था वो आपको मैंने नहीं दिखाया, वो आप उस वीडियो में देख लेना। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है सेट एडिट्स, कहाँ गया एडिट्स, हाँ, ये जो एप्लीकेशन है ये देख लो, सेट एडिट है नाम, ये आपको डाउनलोड करना है, बहुत ही कम MB है, ज़्यादा नहीं है। ओके, ओपन करने के बाद देख स्क्रॉल डाउन करना है आपको, ढूंढना है पी ओ पी ओ, ओ के बाद पी आता है, हाँ तो देखो आ गया ओ के बाद पी। पी में देखो सबसे पहले क्या है, पासवर्ड लेंथ, उसके बाद पी सी ओ फ्लैग, तीन नंबर में देखो क्या है, पीक रिफ्रेश रेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देख लो फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एंड आपको एडिट वैल्यू किसी पर क्लिक नहीं, आपको सिर्फ एडिट वैल्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहले से आपको 90 होगा, ओके 90 होगा, लेकिन आपको उसको कट के एक करना है, ओके 1 करके सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग में, ये हो गया ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग में। तो भाई लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लास्ट एक ही सेटिंग करना है, ओके आपका जो गेम स्पेस है मतलब फ़ोन में गेम स्पेस, वो आपको लेटेस्ट अपडेट कर देना है। अगर लेटेस्ट अपडेट है तो आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद देखो जो है आपको परफॉर्मेंस जो मोड है ना, परफॉर्मेंस गेम परफॉर्मेंस मोड, उसको आपको हाई करना है। ओके, हमेशा आपको हाई करके ही खेलना है गेम परफॉर्मेंस मोड को, तो बाहर शायद नहीं दिखा, हाँ तो गेम ओपन करने के बाद देखो आपको हाई परफॉर्मेंस मोड पे क्लिक करना है, ये रहा परफॉर्मेंस सेटिंग, आपको लो मिलेगा बैलेंस मिलेगा, लेकिन आपको प्रो गेमिंग मोड पे सेलेक्ट करना है। देखो पहले मैंने बोला था ना बैटरी परफॉर्मेंस मोड को हमेशा लो करना है, तो इसलिए बोला था आपका जो बैटरी फ़ोन में बैटरी लो रहेगा लेकिन आपका जो है गेम में प्रो रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो गेम में है सिर्फ गेम में ही प्रेशर पड़ेगा, तो आपका गेम है जो पहले से स्मूथ चलेगा, फ़ोन में स्मूथ ना चले तो भी चलेगा लेकिन गेम स्मूथ चलेगा। अब आपको समझ में आया, ओके तो यही सेटिंग कुछ सेटिंग्स है, आपको गारंटी के साथ बोल सकते हो, आप अगर आपके पास अगर रियलमी फ़ोन है तो आप ट्राई करके देखो, आपका फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस बढ़ जाएगा पहले से। एंड आपको अगर और भी फ़ोन है तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ट्राई करके देख सकते हो, अगर हो जाए तो लाइक कर देना वीडियो को, ओके ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, आपको अगर पसंद आया तो दिखा दीजिए कमेंट में कैसा लगा, ओके तो फिलहाल तबीयत खराब है, मुझे जाना है दवाई खाने, तो बाय एंड पीस आउट।